العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا بسم الله الرحمن الرحيم عبارة دكية باب العيدين صلاة العيد واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرايتها سوى الخطبة फतः माल इस आती कमाल खुद बला ईदिन की नमाज के बयान में बच्चो आपके सामने इससे पहले जुमा का बयान था जुमा के साथ इस बाप को मुनासबत आप इस तरह बताएं कि दोनों नमाज दोनों नमाज़ें अजीम जमात के साथ अदा की जाती है दोनों नमाज की अदायगी का वक्त दिन का वक्त है दोनों नमाज के अंदर किरत जो की जाती है जहरी किरत होती है इसी तरह जिन अहबाब पर जुमा वाजिब है उन्हीं पर ईद की भी नमाज वाजिब है इस मुनासिबत की वजह से ईद का तस्कर ईदैन का तस्करा जुमा के जिक्र के बाद हो रहा है अब आपके जहन में एक बात यह आ रही होगी कि ईदैन का तस्करा पहले क्यों नहीं जुमा का तस्करा पहले क्यों हुआ है तो इसकी वजह आप ये बताएं कि जुमा की नमाज़ फ़र्ज होने की वजह से कवी है ईदिन की नमाज फ़र्ज न होने की वजह से उसके मुकाबले में ज़ाइफ है चुनानचे इनके अहकाम में आपके सामने बयान किए जाएंगे अगली इबारत इसी इबारत में आ रही है कि इसकी नमाज ईद की नमाज़ जो है ये वाजिब है तो इस कवी और इस क़वत और ओफ़ की वजह से ईद का तस्करा बाद में हो रहा है जुमा का तस्करा पहले हुआ है अब वो इतनी मुख्तसर से बात के बाद अब इबारत का तर्जमा देखिए सलातुल फिर असह सही कौल के मुताबिक ईद की नमाज वाजिब है उस शख के ऊपर जिसके ऊपर जुमा वाजिब होती है अपने शराइत के साथ सिवल खुतबती सिवाए खुतबा के फतसे हो बेदून माल इसाते तो जुमा की नमाज ये ईदीन की नमाज सही हो जाएगी बग़ैर खुतब ही के लेकिन ये कराहत के साथ होगी माल माल मालात के साथ इसात का दर्जा जो है मकर तहरीमी से नीचा और मकर तनजी से ऊपर इस असात का ये मतलब हुआ आगे आपकी किताब वाले कर है कमाल और खुद मतिन खुदबत अला सलातन ईदी जैसा कि अगर खुतबा को मुकदम कर दे ईद की नमाज के ऊपर तो जैसा ये मकरू है ऐसे ही बगैर खुतबा के जुमा की नमाज ईद की नमाज पढ़ना मकरू है मकरूब तनजीह से ऊपर असाद के अबी ने इस्तेमाल किया जिसके मफह में यह है कि मकरू तनजीह से ऊपर मकर तहरीमी से नीचे बहरियाल इसकी इबारत के अंदर आपकी खिताब आने समझाया उसका खुलासा यह है कि ईदैन की नमाज यह वाजिब है सही और यही है फिर असा की कैद लगा करके आपकी खिताब ने उन लोगों के मजहब के ऊपर रद्द किया है जो इस बात के कायल काल है कि ईदैन की नमाज सुन्नत है बेशरा तिहा का मतलब यह है कि जो जो शरात जुमा की नमाज के लिए हुआ करती है वही सब शर्तें जो है ईदैन की नमाज के लिए भी है मसलन बड़े शहर और कस्बात में जहां एक जुमा की शराइ पाए जाते हो वहां ईदैन की नमाज भी पढ़ना वाजिब और जरूरी है जहां जुमा की शरात नहीं पाई जाती हो वहां ईदैन की नमाज पढ़ना भी मकरू तहरीमी होगा आगे उसके बाद साहब किताब ये फरमा रहे हैं सिवल खुतबा से ये बताना है कि जुमा की नमाज के अंदर खुतबा और ईदैन की नमाज में खुतबा दोनों में फर्क है जुमा की नमाज में खुतबा देना शर्त है जुमा नमाज से पहले और ईदैन की नमाज के अंदर खुतबा देना शर्त में नहीं है अलबत्ता मसनून है और एक बात दूसरे नंबर की बात ये फरमा रहे हैं के ये ऐसा ही है जैसा कि अगर खुतबा को नमाज से पहले पढ़ दे रहा है तो जिस तरह ये सुन्नत के खिलाफ हुआ की नमाज में खुतबा को नमाज के बाद करना है तो अगर कोई नमाज से पहले ही पढ़ देवे खुतबा तो जिस तरह ये सुन्नत के खिलाफ होगा ऐसे ही वहां पर भी है बहरहाल अगले वाली इबारत देखिए

जो मुस्तहबात है उसका तस्करा कर रहे हैं इबारत का तर्जा देखिए और मुस्तहब है ईद उल फित्र में तेरे चीजें पहले नंबर की चीज कर रहा है। खा ले कुछ। दूसरे नंबर पर परमाकुल और तबरन खाने खाई हुई चीज जो होनी चाहिए उसका ताल्लुक खजूर से हो और खजूर में भी वितरण ताक का ख्याल करके एक खाइए तीन खाइए पांच खाइए ऐसा इसी तरह मुस्तहबात का तस्करा करते हुए फरमा रहे हैं वाया तसीला वो गे करे मिसवाक करे वाका और मिसवाक करे वायब और खुशबू लगाए वाहसना सिया ही और अपने कपड़ों में जो सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा है उसको पहने ये सब मुस्तहबात का तस्करा है इसी तरह मुस्तहबात में से एक और सदका फितर अदा करे अगर उसके ऊपर वाजिब और जरूरी हो रहा हो तो अगर उस वो खुद गरीब है ना दहिंदा है जिस तो उस पर सदका फितर नहीं है लेकिन अगर आप साहब निसाब हैं जिसकी वजह जिस से आप पर सदका फितर वाजिब हो रहा है तो अब सदका फितर को भी अदा करना चाहिए अदा करना है रमज़ान से पहले ही अदा कर दे रहा है सदका फित्र तो ये भी जायज है लेकिन एहतियात के खिलाफ है रमजान में अदा करना जायज और दुरुस्त है ईद फ्र की सुबह को अदा करना ज्यादा अच्छा और मुस्तहब है ईद की नाम ईद के दिन से करना गुना है, लेकिन जब अदा कर देगा तो ये गुना भी खत्म हो जाएगा आगे कर रहे हैं बशाशता और खुशी और इंदेसात का मुजाहरा करे और खुशी और बशासत का मुजाहरा करे ये भी मुस्तहबात में से है जी यानी खुशी का इजहार करे कि अल्लाह तबार वाली ने जो जिम्मेदारी हमारे हम से की थी वो जिम्मेदारी की अदायगी हो गई इस बात के ऊपर वो खुशी का इजहार करे और बशासत का मतलब है कि भाई से जब मुलाकात हो किसी से तो खंदा पेशानी के साथ मिले जी हंसते हुए चेहरा के साथ उससे मुलाकात करे बशासत का में यही है आगे कर रहे हैं बसरत हसब ताकती ही और खैरात की ज्यादती करे अपने ताकत के मुताबिक जितना अल्लाह ने विसाथ दिया है

मुस्ताबाद में से है तबकीर का क्या मतलब है खुद आपकी किताब वाले फरमा रहे वह जल्दी बेदार होना है यानी जल्दी बेदार होना ये भी होनाबाद में से है और हैफतार करना यह भी इबतिकार का मतलब यह है खुद फरमा रहे हैं वह आतमसल मुसल ईदगाह की तरफ जाने में जल्दी करे ये भी मुस्ताबाद में से है इसी तरह एक मुस्ताब ये बता रहे हैं कि सुबह की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करें सुब्जो फिर ईदगाह की तरफ मतवज हो जाए चल पड़े पैदल तकबीर कहते हुए चुपके से आहिस्ता अल्लाह भकबर भकबर वमद की जो तकबीर है इसको पढ़ते हुए ये आहिस्ता आहस्ते पढ़ते हुए पैदल चलना ये मुस्तमात वैसे है ईदगाह की तरफ चला जाए यह तकबीर के बारे में आगे इबारत आ रही है वफी रिवायत ईदा फला और तकबीर को बोलना खत्म कर दे जब वो ईदगाह पहुंच जाए तो एक रिवायत के अंदर यही है दूसरी रिवायत में यह है कि जब नमाज शुरू करे तब इस इबारत के अंदर जो मतलाना वो ये कि ये तकबीर जो आप पढ़ रहे थे ये तकबीर आप कब तक पढ़ते रहेंगे तो उसका उसकी इंतहा बताई कि जब आप ईदगाह पहुंच जाएंगे तो आपकी किताब एक रिवायत यही है ईदगाह पहुंच गए बस अब आप तकबीर कहना बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह नकल फरमा रहे हैं कि नमाज जब शुरू हो उस वक्त तक ये बोलते रहे अब खत्म तक़बीर को। आगे है आखर और मुस्तहबात में से एक मुस्ताहब यह है कि वो दूसरे रास्ते से लौटे यानी जिस रास्ते से जाना हुआ है आने में दूसरा रास्ता को इख्तियार करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था आप सल्हम एक रास्ते से ईदगाह जाते थे दूसरे रास्ते से वापिस आते थे आगे एक मसला बता रहे हैं फिर मुसल फला जमहूर और मकर नफल नमाज पढ़ना ईद की नमाज से पहले ईदगाह में और घर में वबाद है फिर मुसल्ला और नमाज के बाद ईद की नमाज के बाद ईदगाह में सिर्फ ईदगाह में और ईद की नमाज के बाद सिर्फ ईदगाह में जमहूर के मुख्तार कौल के मुताबिक और है नफर नमाज पढ़ना ईद की नमाज से पहले ईदगाह में और घर में मतलब ये हुआ कि आप ईद की नमाज अभी पढ़े नहीं है तो आप घर में भी कोई नफरी नमाज ना पढ़े फजर के बाद और ईदगाह में भी जाकर के ना पढ़े हाँ नमाज ईद हो गई उसके बाद अब आप मुसल्लाह में, में नमाज न पढ़ा है घर पे आकर के अब नफरी नमाज आप पढ़ सकते हैं से का कायल है और इसी पर आमत का भी अमल है कि नफरी नमाज फजर की नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़नी है ईदगाह में भी नहीं और घर में भी नहीं ईद से पहले ईद के बाद घर में पढ़ा जा सकता पढ़ी जा सकती है नफरी नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ सकते हैं आगे देखिए वक्त तो सेहत सलात मिन इरतफाई शमसी कदर और इस इबारत के अंदर ईद की नमाज का वक्त बता रहे हैं कि उसका वक्त कब शुरू होता है और कब तक है तो आपकी किताब आ रे ने जो फरमाया उसका खुलासा यह है सूरज सूरज जब एक नेजा के बराबर ऊंचा हो जाए या दो नेजा के बराबर जब ऊंचा हो जाए उस वक्त से उसका वक्त शुरू हो जाता है यानी सूरज निकलने के तकरीबन पंद्रह बीस मिनट के बाद वक्त शुरू हो जाता है और जब तक जवाल ना हो जाए सूरज ढल ना जाए उस वक्त तक नमाज का वक्त रहता है मुनासिब यह है कि हर शख्स यानी इस हिसाब की में वक्त मुकर करे कि सारे अहबाब गाँव के लोग सब के सब जुड़ जाए बसहूलत तैयारी कर करते अब हुए अब तरजा देखिए और ईदैन की नमाज के सही होने का वक्त सूरज के एक नेज़ा नेज़ा या दो नेजा के के होने होने से ले करके के जायर होने तक है ईद की नमाज के सही होने का वक्त सूरज के एक नेजा या दो नेज़ा के मकदार बुलंद होने से लेकर के उसके जाहिर होने तक है अगली वाली इबारत के अंदर साहब किता नमाज की तरकीब की कैफियत बताई है नमाज की नमाज कैसे अदा करना है देखिए वाकै सलात सलात सुबर तहरीम सुम्र नमाज की नमाज ईद की जो तरीका है इसी इबारत के अंदर बताया उसका खुलासा ये है कि आप तकबीर तहरीमा बार है नियत करने के बाद नियत के अंदर है आप जहन में रखे कि हम इस इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं ईद की दो जो वाजिब है छह तकबीर के साथ उसके बाद इतना नियत करना ना इतना दिन में बैठा लेना यही काफी है बाकी ये इबार, अरबी इबारत आप अगर लौटा लें जो नीयत के नाम पे मुतयन है किताबों के अंदर तो अच्छी बात है उसके बाद आप आप जब नियत तकबीर तहरीमा कर लें आप अल्लाह अकबर आपने कह लिया उसके बाद आप, आप सना पढ़ेंगे सना के बाद तीन जायद तकबीर आपको अब अदा करनी है जैसे ही आप अल्लाह कहेंगे तो हाथ, को तीन कहते हुए, फिर हाथ आप उसके बाद मुकम्मल एक रकत जब हो जाए पहली रखत के अंदर, आता का पहली रखत के अंदर सब कर। आला आपको तिलावत करनी है सुन्नत यही है उसके बाद दूसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे तो आप किरत कर लें किरत करने के बाद अब आपको जायद तकबीर जो तीन रह गए ये वो अदा करनी है जायद तकबीर के बाद रुकू की तकबीर कहते हुए अब आपको रुकू करना कर लेना है उसके बाद इस तरह जैसे आप नमाज अदा करते हैं उस तरह नमाज आपको अदा कर लेनी है السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله